बेटा तुम्हारा एग्जाम सामने है, थोड़ा पढ़ाई में ध्यान दो, मोबाइल देखना कम करो। मम्मी मैं सोच रही हूँ मेरे कॉलेज में ना एक प्रोफेसर है, उनसे प्राइवेट ट्यूशन ले लूँ। ये तो अच्छी बात है। क्या वो तुम्हें ट्यूशन पढ़ाएंगे बेटा? हाँ क्यों नहीं, मैं आज ही सर से बात करती हूँ। तो करो बात आज ही। वो सब ठीक है, कॉलेज जाने के लिए टाइम हो चुका है, अब तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। ओके मम्मी। सर सर, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर मुझे राजेश सर से कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो। सर एक्चुअली मुझे ना आपसे प्राइवेट में ट्यूशन लेना था। मैंने ही पास क्यों? अच्छे मार्क्स के लिए सर। अच्छे मार्क्स के लिए? पर मेरा ना अभी बिजी शेड्यूल चल रहा है। तुम एक काम करो, पीटर सर से ट्यूशन ले लो, ठीक है? सर बट मुझे आपसे ही ट्यूशन लेना। सर सर प्लीज सर, आप जो बोलेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे आपसे ही ट्यूशन लेना है। आर यू क्रेजी? You don't know how to talk with senior professor, and I am already told you, I don't have much time. You take tuition, Sir Peter, okay? I'm sorry, sir. सर क्या आप मुझे प्राइवेट में ट्यूशन देंगे? हाँ क्यों नहीं। तो फिर कल शाम को 4 बजे आप मेरे घर आ जाइए, मम्मी पापा से मिलकर बात करते हैं। अच्छा, मैं टाइम से पहुंच जाऊंगा। थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग पापा। नमस्कार। नमस्ते। आइए सर अंदर आइए। आइए सर, आइए सर बैठिए। पल्लवी आपसे ट्यूशन लेना चाहती है। बट मैं वीक में 2 दिन ही क्लास दे पाऊंगा, और वो भी शाम को। कब से आ रहे हैं आप? मंडे से। ठीक है तो मंडे से आ जाइए। हाँ। ये पल्लवी के ट्यूशन वाले सर। नमस्ते। नमस्ते। आप बैठिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं कुछ जरूरत नहीं है, टाइम बहुत हो चुका है, मैं चलता हूँ। हाँ हाँ चलिए, अब तो आना लगा ही रहेगा। हाँ वो तो है जी। सर मुझे 90% मार्क्स चाहिए सर। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब जो बोलेंगे सर मैं वही करने के लिए तैयार हूँ। मैं कुछ समझा नहीं। सर इस बार अगर मैं 90% मार्क्स से पास नहीं हुई ना, तो मेरे पापा मेरी शादी एक चाय वाले से कर देंगे। और मैं कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन एक चाय वाले से शादी नहीं कर सकती सर। सर कुछ कीजिए ना सर। सर सर प्लीज कुछ कीजिए ना सर। मैं क्या करूं, जो करना तुम्हें करना है।
अच्छा पल्लवी, तुम जो सोच रही हो मैं उस टाइप का इंसान नहीं हूं। हाँ, और आप जो सोच रहे हैं ना, मैं भी उस टाइप की नहीं हूं। सर, अपना हाथ दीजिए ना। ये आपका हाथ, ये मेरा हाथ। ताली एक हाथ से नहीं बजती सर। तुम्हारे बातों से समझ में आ रहा है तुम क्या बोलना चाहती हो। क्या हुआ सर? सॉरी पल्लवी, आज के बाद से मैं तुम्हें ट्यूशन नहीं दे पाऊंगा। क्यों सर? तुम जैसे स्टूडेंट की वजह से हम जैसे टीचर बदनाम होते हैं इस समाज में। सर, सर। हाँ, और एक बात, ये सब में फालतू टाइम ना वेस्ट करके अपने स्टडी में ध्यान दो। पीटर सर तो हाथ से गया, अब मैं क्या करूं? डैम इट, राजेश सर को ट्राई करूं क्या? हाँ, राजेश सर को ट्राई करती हूँ। हेलो। हेलो सर, सर मैं पल्लवी। हाँ बोलो। एक्चुअली सर, मुझे ना आपसे मिलना था। क्यों? सर, पीटर सर से मुझे और ट्यूशन नहीं लेना है सर, इस बारे में मुझे आपसे बात करना था। ठीक है, कल कॉलेज खत्म होने के बाद मेरे घर आ जाना। ओके सर, थैंक यू, बाय। आपसे ही ट्यूशन लेना है। सर। हाँ अंदर आओ, बैठो। हाँ बोलो, पीटर के साथ तुम्हारा क्या हुआ? बताइए सर, मैं क्या करूं? ठीक है, मैं देखता हूं। तो बोलो, क्या पियोगे, ठंडा या गरम? वोडका। वोडका? अच्छा मैं लाता हूं। आज तो मैं अपनी चुंगल में सर को फंसा के रखूंगी, देखते हैं कैसे नहीं मिलता 90% मार्क्स।
मुझे 90% मार्क्स चाहिए। हाँ अब तो मिल ही जाएगा। अरे रुको रुको रुको, तुम तो कॉलेज की हीरोइन हो, तुम्हें क्या जरूरत है आने की? हमसे पूछ लेती, हम बता देते। हटो हटो, मैडम को देखने दो रिजल्ट। क्या हुआ? और क्या, फेल हो गई? सर। हाँ बोलो पल्लवी। सर मैं फेल हो गई सर, मुझे 90% मार्क्स नहीं मिला। क्यों सर? क्योंकि तुम्हारा मन पढ़ाई में कम और गंदी चीजों में ज्यादा लगा रहते हैं। आज अगर मैं तुम्हें 90% मार्क्स दे देता तो कॉलेज की हर लड़की ये गंदी काम करके अपना मार्क्स बढ़ा लेती। सो पढ़ाई में ध्यान दो, नेक्स्ट ईयर, ठीक है? Ha ha ha!